शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मकबरा तो बनवा ही लाए हो, अब मार भी डालो गांधी को। फौज छुट्टी पर गई है रानी साहिबा। एक अदना सी रानी को हलाक करने के लिए फौज दरकार है। हमें अपने जान बना के हाथों कत्ल होना है। जी, अच्छा, वो मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नई रानी को जबान दे चुके हैं। किसे? परेशान मत करो, नई रानी शहर में है। और ये मकबरा भी उसी का है। अरे! आजा ले लो, चलो ना रे, हाँ, ले लो, आजा, आओ, ले लो, रुको, सरेंडर कर दो। क्या कर दो? सरेंडर। तीन सौ दो और 304 के गवाह नहीं है उनके पास, और 396 में 4 साल से ज्यादा नहीं रख पाएंगे तुमको अंदर।
कचहरी गए थे तुम? कृष्णा क्या पूछ रहे हैं हम? कचहरी गए थे तुम? हाँ गए थे। तीन साल में गिनकर तीन दिन नहीं बिताए होंगे साथ। तुम्हारे जाने के बाद दिनों तक बिस्तर नहीं संवरता। चादर पर तुम्हारी सिलवटों में मरे पड़े रहते हैं। अब नहीं होगा हमसे। अब समझे कितना बड़ा असर बैठे हैं। क्या समझे? लगता है कोई और मिल गया है हमारी कृष्णा को। अब जो आप बोलेंगी वही होगा। अगर तीन महीना में अपना गवर्नमेंट नहीं आया तो हम सिलेंडर कर देंगे। सिलेंडर नहीं सरेंडर। वही इस्माइल, ऐसे ही परेशान रहते हो तुम। अब जाएं। मैं कुतिया हूं, नसीबन हमारा जाना था। जीजा जी रहम, मजबूरी में गलती हो गई। एक एकनी नहीं घर जाके आपके पैसे में से मुश्ताक भाई, पूरे 20 लाख है बैग में, गिन लो। अरे हमारी क्या मजाल कि हम आपकी ईमानदारी पे शक करें। कोल्ड स्टोरेज में 15,000 की बर्फ गल गई। 15,000? अबे पैसे की जरूरत थी तो पैसा उड़ाते, वहां का फ्यूज उड़ाने की क्या जरूरत? रोशनी में पहचान ले जाते ना। वैसे भी आपके कोल्ड स्टोरेज में आपके पैसे ठंडे हो रहे हैं, बर्फ थोड़ी हो रही है। 3 फुट का हो गया मुश्ताक भाई। 2 फुट और खुद, बहुत गले इंसान है ये खालू भांजा। 2 दिन बाद बस मारने लगेंगे। अरे कुछ नहीं, ऐसे किसी जीजा साले की तकरार हो रही है सड़क पे। अच्छा घर कब आ रहे हैं? दरगाह से हुए तो आए भी मांग ली। सुभान अल्लाह। आखिरी ख्वाहिश, लतीफा सुनाना है। एक मौलवी साहब अपनी तोती से बहुत परेशान थे। उनके पाक साहब घराने का ना माहौल खराब कर रही थी वो तोती। मुझे ऐसी गंदी गंदी गालियां फूटती थी कि मुझे ऐसा कमीना भी शर्मा जाए। मौलवी साहब ने अपना प्रॉब्लम है ना काजी साहब को बताया। काजी साहब ने बोला एक काम कर, तू तेरी तोती ला के मेरे यहाँ ले आ। मेरे पास 2 तोते, सही माहौल में रहेगी तो 2 दिन में जबान ठीक हो जाएगी। काजी साहब के जो तोते थे ना, वो दिन भर कलमा पढ़ते थे, अल्लाह अल्लाह बोलते थे। तो मौलवी साहब ने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ। मौलवी साहब अपनी तोती ले के आके काजी साहब के यहाँ छोड़ा है। काजी साहब ने तोती को पिंजरे में डाल दिया और 2 तोते तोती को देखते ही मुस्कुराने लगे।
फिर एक तोते ने दूसरे तोते के कान में जाके बोला कि क्या बोला? उनको शर्म आ रही है? क्या बोला? कान में बोलो ना। नहीं नहीं बोलो। क्या बोला? कान में बोल दे कान। मैं कान में बोलूं? ये जरी सॉरी। चल बाबन चल चल। खालूजान, मैं कह रहा हूँ उसको जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अरे नहीं, अपने हाथ से अपनी बहन का घर उजाड़ूं? ये मुझे साला माने ना माने, मैं इसे सच्चे दिल से जीजा मानता हूँ। रस्सी टाइट तो नहीं है जी जरी? देखो, ना चलो, तब मैं माफ किया, अब कॉल। कहना मुश्ताक भाई कि हमने गलती करने में थोड़ी जल्दी कर दी और आपने माफी मांगने में थोड़ी देर, तो सॉरी। अगली बार तुम्हारी कमरे में तुमसे वही कटवाऊंगा। मौलवी मिलेगा ना, फातिहा पढ़ देगा। कमीना, आराम डालो कुत्ते के बच्चा। इब्ने बतूता ता ता बगल में जूता ता ता पहने तो करता है जुर्र। उड़ उड़ आवे आ आ ताना चुगे आ आ आ। उड़ उड़ आवे आ आ ताना चुगे आ आ। उड़ जावे चिड़िया बब्बन बोल रहा हूँ। क्या पंगा ले लिया बब्बन तू? है ना ना ना, तू भोपाल आने की सोच भी मत। हाँ अब क्या कह रही हो? अरे कहाँ जाऊँ मैं? अबे मुश्ताक भाई के बंदे बावले सांड की तरह घूम रही है पूरे इलाके में। अरे पर फिरोज भाई बात तो सुनो। अरे तेरे साथ हम भी जाएंगे। माफ करो मुझे। हेलो 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 भाई, हरामजादे ने फोन रख दिया। कमीना इफ्तिकार। ओ खालूजान, ओ यार मैं तो जेल च हां, ओए 84 का केस खुल जाता है हर 10 साल बाद। हेलो ते तुसी आ रहे हो ते जेल च? हेलो खालू क्या च दोनों दरवाजे बजती है ये? पिछले साल जब पनाह दी थी तो हमारी लड़की को पेट से कर दिया आपके भाजे ने। क्या कर ये मजा कि अब दोबारा हमसे मदद मांगे? कुछ शर्म हया है कि नहीं आपको? है दोनों तरफ से बजती है ये नंबर है कालू? मेरी लिस्ट में तो नहीं है। चलो ठीक है फिर, ये गाड़ी में सेटल हो जाते हैं। अबे नेपाल के राजा कौन? आसिफ नेपाली। अबे तुम एक काम करो, पहली गाड़ी पकड़ो और चुपचाप यहाँ चले आओ, समझो? अबे मुश्ताक का मुसर्रफ भी तुम्हार कुछ नहीं उखाड़ सकते। अरे गोरखपुर बॉर्डर, ऐसे ज्यादा सेफ जगह कहीं ना मिली। गोरखपुर वर्मा, विद्याधर वर्मा, विद्याधर वही सीधे धमक पड़ते हैं। अपने आप पार कराएगा बॉर्डर। ₹263 छुट्टा नहीं मैडम हमारे पास। सुनो आप कुत्ता, मैं तुम डिस्टर्ब लेगा बहन चो। विद्याधर वर्मा का मकान कौन सा है? चिकन पिया था? नहीं।
बीड़ी है चलेगी? नहीं, हमको माचिस चाहिए। मगर क्यों? अबे प्यास लगी है यूं, सर पेट लकड़ी के नल से जलाऊं। सर पेट डाकू हो क्या? नहीं। फिर चोर हो? नहीं नहीं। फिर क्या? सल्फेट। वर्मा जी के लिए बहुत पसंद है उन्हें ये रम, हमारे इलाके की खास डबल घोड़ा। कहते हैं पहले पेग में शादी का घोड़ा, तीसरे में डाकू और पांचवे में रेस का घोड़ा। तीन महीने में 30 बरस का याराना हो गया था पसंद से। वो एक एमएलए का मर्डर केस था ना, तब हमारे यहाँ पनाह ली थी। नहीं बबन, आजकल नंगे हैं कि बुरखे में? मैं कह रहा था कि वो अंदर है कि फरार है। मैं चाय चढ़ाती हूँ। एम तो रम का हो रहा है। मजाक कर रही है। वो सर खाना पीछे है, तौलिए यहाँ रखे, बर्फ और नमकीन लगा देती है। खाने की थालियां ढक के रखी रहेंगे। नहीं नहीं, खाना तो हम वर्मा जी के साथ ही खाएंगे। कब तक आएंगे वो? तकरीबन कभी नहीं। हमने दो अक
माकड़े हो कह रही है ये बार अगर किरकिरी निकला तो देख रहे हो नहीं चख के देख लो भाभी तुम चखे हो कि नहीं तो पिछली बार भी चखा रहा चख के बताएंगे जरा हाँ जरूर सुभान अल्लाह एक चम्मच और मिलेगा जरूर और आप मैं मीठा नहीं खाती तो इतना मीठा गाती कैसे माफ कीजिएगा आपका वो पौधा आम से बर्बाद कोई हो गया भाभी नावा आया देख लिया अच्छा वर्मा जी के बारे में सुन के बहुत अफसोस हुआ हमें तो लगा था ये सारा मामला सुलझ गया है अचानक कैसे अरे क्या यार भाष आदमी थे ये मकान गवाह है उनकी यारियों का यमराज से दोस्ती में घर तुच्छता होना ही था yes. oh. आप और आपके दोस्त में जमीन आसमान का फर्क है जमीन आसमान का नहीं हिंदू मुसलमान का फर्क है वैसे मैं इतना गलीज लगता हूँ कि ऐसे आदमी का दोस्त कहलाऊं भांजा है मेरा माकड़े कोने पे तू चल परे कर बंदूक बंदूक नहीं तमंचा है बे और घोड़े का तार मुड़ गया अंदर से फाड़ गया तो हारे में फट जाएगा ला इधर ला उम्र क्या है तेरी 5 + 20 तू हथियार के बारे में इतना कैसे जानता है हमारे गांव में चुत्तर धोने से पहले तमंचा चलाना सिखाते हैं कुछ और पंगा जंगल जाएंगे तो देना बापू 2 मिनट में ठीक कर देगा समझा चल सुन 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 यार यार सुन 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 क्या बे नाम क्या है तेरा नंदू नंदू शहर चलेगा मेरे साथ फटपटी पे ले जाऊंगा झाड़ू पोछा के बाद सुन शहर में रेड लाइट ही रहेगा पता तुझे पैसा लगेगा मैं कौन सा कटोरा लेके जा रहा हूँ कोठे पे हैं अबे सल्फेट कोठे वाले की नहीं अपने पैसे की बात कर रहे हैं अबे तेरी कौन लेगा चल हमें बॉर्डर पार जाना है नेपाल अब वर्मा जी तो है नहीं सो कोई नया जुगाड़ ढूंढने में 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे नजदीक में कोई महफूज सा सस्ता सा सराय होगा आप चाहें तो कुछ दिन यहीं रुक सकते हैं जी लेकिन और सराय में ना सुनने के लिए गाना होगा ना ही तोड़ने के लिए गमले हाँ. लहसुन वो देख माँ वो जंगलों के पीछे हमारा गांव है और वो झील पार ठाकुरों का पिछले महीने 6 ठाकुर कमाए हमारे सेना ने कमाए ओ तेरी तो जाति युद्ध चल रहा है यहाँ सालों से हर जात की अपनी सेना मेरी भी जल्दी भर्ती होने वाली है समझा
टिकी के पैसे काट के 92 रुपए हुए हमारे। है। सुन, तू सेना में भर्ती हुई क्या करे? इस गले से सीधे जाकर दाएं मुड़ना और वापस आकर यहीं मिलना, समझा? तो दिन के 100 रुपए दूंगा मैं, हमारे लिए काम कर ले। तुम अपना काम निपटाओ ना पहले। कर दो ना, पैसे अंदर है कम। कहाँ गया? यही तो था। क्या कह रहे हो खालू? अरे सुबह तो मैंने 500 रुपए निकाले थे इसमें से। बीच में क्यों डाल रहे हो? रहने दो ना इनको। कहिए तो मैं भी दफना दूं तुम्हारे साथ। लेकिन हम गए तो आपका पैसा भी तो जाएगा ना जीजा जी, हमेशा के लिए। एक मौका, आखिरी, प्लीज। हेलो भाईजान। जी जी, मैं इफ्तिखार। हाँ भाईजान, बोलिए। जी जी, बड़ी मुसीबत में हैं हम। क्या हुआ? इतनी छोटी सी खता के लिए इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं जीजा जी। अच्छा, लेकिन जिंदा दफना रहे हैं हमें। तो कहिए क्या चाहते हैं आप? जी जी, रक्षाबंधन में एक महीना बाकी है, बचा लो हमें, खुदा के वास्ते बचा लो ना। ठीक है, उनको फोन दो। है, अच्छा अच्छा, अभी देता हूँ। देखिए, गुनहगार तो वो हैं आपके, पर मेरे भाईजान भी हैं। हो सके तो छोड़ दीजिएगा, नहीं तो मार दीजिए। फैसला आपका होगा। अल्लाह हाफिज़। मुझे मेरे पैसे चाहिए। रक्षाबंधन से पहले सोच समझ। भागने को तुम भाग सकते हो, इधर भागोगे भाई? कतर, कुआलालंपुर, नेपाल, पकड़ मैंने तुम्हें लेना है। लेकिन इस लौंडिया के दो बराबर के हिस्से करके तुम दोनों की कब्रों में गाड़ने के बाद। लोहे के जूते पहने थे सारे, हड्डी चटक नहीं लगता। सीधा, कुछ नहीं हुआ, मैं पिंचर लेके आती हूँ। बेकार, ज्यादा मासूम मत बन। कौन छुपाए तुमने पैसे? ए, बब्बन, पागल हो गया है क्या? अरे पागल तुम हो गए खालू, जाएगा कहाँ बैग? हाँ, कल तक तो यहीं था। हम तीनों के अलावा और कोई यहाँ पे आया नहीं है। आया है नंदू।
कब? जब तुम धनु की बाहों में टंगे हुए थे, वो तुम्हारे कमरे की सफाई कर रहा था। नपुंसक नहीं है। यहां पड़ी बंदूक कंधे पर लटकाने के लिए नहीं, उनके घर में घुसकर उनका खून पीने के लिए है। अगर हमारे गूदे में बूता है नंदू कहां रहता है आप, आपको पता है? असली गांव और असली नाम बता। वैसे तो मैं बाल गांव और हलिया गांव में रह रही हूँ। वर्मा साहब का मेहमान हूँ मैं, सही कह रही हूँ? क्या है मेहमान? हाँ, तमंचा खराब हो गया था मेरा, तो नंदू कह रहा था कि वो गांव में आ जाओ, बना दूंगा मैं। दोन बाबू, नंदू सेना में भर्ती हो गया है, समझा? जी। उसे छोड़ने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? जी। ये पता। वर्मा जी कैसे हैं? वो तो फोत हो गए, उन्होंने आपको पता नहीं इसके बारे में? वो तो गए। खालू, अरे भाग गया क्या? दो इफ्तिखार, अरे बुढ़ो भेरे हो गए क्या? घंटे भर से चला रही हूँ मैं, सुना नहीं देता? क्या हुआ? क्या हुआ, घंटा हुआ? खालू पैकिंग करो, निकल लो यहाँ से। खालू मैं कह रहा हूँ ये जगह बहुत डेंजर है, अपने यहाँ तो शिया सुन्नी होते, यहाँ पे तो ठाकुर यादव पांडे जाट सब ने अपनी अपनी फौज बना रखी है। और मुश्ताक? अरे खालू सुन्नी ऐसे गायब होंगे कि मुश्ताक बुड़ा जाएगा ढूंढते ढूंढते, और हम भागते भागते तो यहीं बैठे बैठे क्या तुम सोने का अंडा दोगे? मुश्ताक को उड़ाना है इस बार, आने दो उसको। वाह मेरे जहाँ बात सिपेसिलार, मियाँ इफ्तिखार, पिछवाड़ा उठाओ और टॉप गियर में यहाँ से सरपट हो लेते हैं। तू जा, मैं नहीं चलने वाला। अरे मैं नहीं चलने वाला, मैटर क्या है? मैं अपनी खातिर किसी मासूम को सूली पे नहीं चढ़ा सकता। अरे कौन मासूम? माकड़े मौसम तो आशिकाना होता जा रहा है। सरफरोशी की तमन्ना दिल से निकाल दो, क्यों बिना देश के शहीद होना चाहते हो? हैं? अरे खालू तुम ही तो सिखाते थे, भूल गए? शेख अपनी अपनी देख। अरे खालू लोंडिया मरे तो मरे, हम इससे क्या? मुझे होना हूँ, मुझे है। तुम तो
सर छुपाने के लिए जगह इसलिए नहीं दी थी कि मेरी ही गर्दन दांव पे लग जाए। भागना है, लड़ना है या कुछ और करना है, अब जो भी होगा मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। तेरी हरामजदगी का अंदाजा तो मुझे था, आप समझदार लगते थे मुझे, पर एक नंबर के चूतियम सल्फेट निकले। बहुत मासूम लग रही है, हैं? हर कमरे में गैस का सिलेंडर है, लकड़ी पे खाना क्यों बनाती हो? बंदूक बहुत अच्छा चलाती है, कहाँ पे सीखा है? बात नहीं करेंगे। मैंने तुम पे शक किया उसके लिए सॉरी। इतना भी लड़ाई लड़ाई माफ कुत्ते का। देख मुझे गाने बजाने की जबान नहीं आती। फिर किस जबान में समझाऊं तुझे? किसका आइडिया है ये? खाली तुम पेड़ की छोड़ो ना, बताओ आम कैसा है, है? अरे गुठली टेंट में अटक जाएगी। खाली तुम गुस्से में हो, अभी तुम सल्फेट बोल दिया तो कोई तुम सल्फेट थोड़ी हो गए। और खाली लोंडिया वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। कैसी नहीं? वही रुई का पहा, गुलाब की पत्ती, साक्षात देवी। आलू सुतली बाम है, देसी तमंचा, वर्मा का पूरा धंधा घोल के पी गए हैं। और कसम खुदा की कह रही हूँ आलू, कमाल का प्लेन बनाया इसने। हाँ बड़ी मेहरबानी कृष्णा जी, बड़ी मेहरबानी आपने हमें हमें अपने गैंग में शामिल कर लिया है? हम तो टटपूंजी ऐसे ठाई गिरे, लैपटॉप मोबाइल फोन और बहुत हिम्मत हुई तो कार। आज तक किसी का कुत्ता बिल्ली भी किडनैप नहीं किया है हमने। ये करोड़पति को किडनैप करने की बात कर रही हैं यार, ये एहसान क्यों कर रही हैं आप हम पे? अरे हम तो बहुत बड़े सल्फेट हैं, सल्फेट। सुनिए सल्फेट ज्यादा हो गई। नाराजगी मुझसे है, फिर खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? जाए जाए यहां से। कहां जाए? ठीक है, नहीं सुनना तो ना सही, लेकिन अगली बार जब मुश्ताक आए
तो उसके पैरों पर गिरकर रोइएगा नहीं, अच्छा नहीं लगता देखकर। वर्मा जी के साथ मेरे जीने का शौक भी भस्म हो गया। औरत अकेले होना तो हर मर्द की निगाह कपड़े का छूटना चाहती है, और ऊपर से घर का सूनापन। कई बार कलाइयां काटने की कोशिश कर चुकी हूं, लेकिन पहले कभी लगा ही नहीं कि मेरे पास सिर्फ दो सूती साड़ियां, एक कंगन और दो बिंदी हैं। आपके आने के बाद जैसे सब कुछ कम कम सा लगता है। एक बार फिर जिंदगी जीने का मन कराया है। ये आइडिया आपने मुझे क्यों नहीं दिया? अब मुझे कोई इंतजार कहाँ, अब मुझे कोई इंतजार कहाँ। वो जो बहते थे आबशार कहाँ, अब मुझे कोई इंतजार कहाँ। टारगेट, टारगेट ही प्लान है। जो करना है हमें टारगेट बताएगा। इनकम टैक्स विभाग में अपने दोस्तों की मदद से वर्मा जी ने यह लिस्ट तैयार की थी। सच्चे कलाकार थे वर्मा जी। इनमें से कौन? फिरौती कितनी होगी? 5 करोड़। 5 करोड़ किस लिए? 25 मुश्ताक भाई को लौटाना है, 25 काफी नहीं अपने लिए? चोर बाजार से बाहर खा लू, बड़ा खेल है ये। 5 करोड़ ठीक है, कम तो नहीं है? रईसों की कमी नहीं है गोरखपुर में। राम प्रसाद गुप्ता, दीनदयाल त्रिवेदी, प्रकाश मारू, जय किशन केड़िया या डॉक्टर अग्रवाल। वर्मा जी कहते थे यहां कुत्ते को पत्थर मारो तो करोड़पति को लगता है, लेकिन जितनी बड़ी रकम होगी ना, खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा। ना 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 कृष्णा जी, लालच मरवाएगा हमें। ऐसा करते हैं, कुछ छोटा मोटा करते हैं ना,
ताकि काम भी हो जाए और जान का खतरा भी ना रहे। पांच कैंसल, दो दो लेते हैं, हैं? कोई छोटी मोटी मछली है क्या? क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था कि कोई छोटी मोटी मछली पकड़ते हैं, हैं? आइडिया कैसा है? कमल कांत कक्कड़, शहर का सबसे छोटा रईस, लोहे का छोटा सा कारखाना है लेकिन घर की इमारत बहुत बड़ी। अरे क्या करूं यार, मैंने भी कह दिया 10 साल का वीजा लग गया है। कक्कड़ ने बड़ी चालाकी से अपने आप को शातिर अपराधियों की नजर से बचा के रखा है, पर वर्मा जी की नजर से नहीं। और जो इरादे वर्मा जी के थे उन्हें अब हमें पूरा करना है। अगर आप भी जिंदगी की रोज की चकचक और झकझक से परेशान हैं, तो फिर इंतजार कैसे? क्योंकि कोई नहीं है के स्टील जैसा। एक बार हाथ आ गया ना, तो अपने 2 करोड़ का तो कक्कड़ 2 घंटे में इंतजाम कर सकता है। मेरा स्टील, आपका स्टील, हमारा स्टील, के स्टील। मत पूछो जी, ये यूनिट वालों के असलहा, फोन, पैसे और सही वक्त। कक्कड़ कहाँ था, कहाँ है और कहाँ जाएगा? बाथरूम में दफ्तर से बिस्तर तक पल पल का हिसाब। मेरी अपनी कमाई के हैं, कम से कम एक पुरानी गाड़ी तो खरीद सकेंगे इससे। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी गाड़ी तो हमें उठानी पड़ेगी, खरीदेंगे तो पकड़े जाएंगे। मैं कल सुबह जाके गाड़ी पड़ी कर गया तो। कल सुबह जाके गाड़ी पड़ी? अरे कल नहीं, कल अगर गाड़ी उठाएंगे तो रपट भी थाने में कल ही जाएगी, और परसों हम जिस दिन उसे उठाना होगा उससे 1 दिन पहले गाड़ी का इंतजाम करेंगे। और गाड़ी गोरखपुर से नहीं, फैजाबाद से उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें फैजाबाद के होटल का और पेट्रोल का बिल डाल देंगे, और जब पुलिस वालों को गाड़ी मिलेगी तो वो तहकीकात करने फैजाबाद पहुंचेंगे। चाय पियेंगे? क्यों खान? हाँ हाँ, बहुत उड़ रहे हो, पहले कक्कड़ को उड़ाने का प्लान बनाओ। 12 दिन रह गए। तुम्हारे पास क्या? पर जीजा जी, राखी में तो अभी 6 दिन बाकी हैं। नहीं, तुम्हारी मौत में 4। मेरी भांजी की शादी है लखनऊ में परसों, उसके बाद मैं सीधा आ रही हूँ। मुश्ताक भाई, हेलो हेलो। ट्रांसपोर्टेशन पकड़ो जी, और बाजार में चाइनीज आर्डर मिलते हैं कितने में? ओनली 55,000 जी। अब रिटेलर जो है, अब टाइम खोलने वाला ना, चल जल्दी जा, जाओ वो दिया कर बाकी का काम देख तू यार, जल्दी आओ। तो कह रहा था भाग लेते हैं यहाँ से, पर आपकी अक्ल तो टेल नहीं निकली थी। पुतली बाई के पल पल के चक्कर में कक्कड़ अकेला मिलने वाला नहीं है,
और आपके जीजी के कसम आ रहे हैं राखी बांधने यहाँ गले में। हाँ कृष्णा जी, ये कक्कड़ 8 बजे मंदिर जाता है और वहाँ से सीधा 11 बजे फैक्ट्री। मंदिर से फैक्ट्री तक पहुँचने में आधा घंटा चाहिए, तो 2.5 घंटा मंदिर में, कुछ ज्यादा नहीं है। बब्बन, अरे चाचा आगे चलो। भाई भाई साहब, भाई साहब मेरा फोन गिरा, अरे मेरा फोन गिरा इधर यार, अरे एक मिनट, अरे रुको नहीं, अरे अरे ठहरो ना एक मिनट, मेरा फोन गिर गया इधर। कस्तूरी तिलक ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे जमुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विनयसे गोपाल चूड़ामणि। कौन है यार? ममता कितने है? कितने ममता? दुनिया के लिए मंदिर जाता है लेकिन असली पूजा ब्यूटी पार्लर में होती है। इससे महफूज जगह नहीं हो सकती उसे उठाने के लिए। बबन, कल चलते हैं फैजाबाद गाड़ी लाने। तुम दोनों के अलावा और भी कोई था क्या? कौन? हंटर वाली। कौन वाली? अरे क्या हुआ? ये क्यों हंस रही है कृष्णा जी? हुआ क्या? मैं ममता को धोखा नहीं दे सकती। कौन ममता? थैंक यू दोस्त, थैंक यू। अंदर गिर गया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बब्बन, 1 घंटे से अंदर बैठा है, अंडे दे रहे हैं क्या? नहीं, मुर्गिया गिन रहा हूँ मैं। खालुजन पराठा। देखिए आप मुझे खालुजान मत कहा कीजिए। क्यों? कितना अच्छा नाम है। खालू का मतलब होता है मौसा। जरा अजीब सा बूढ़ा बूढ़ा लगता है। मेरा नाम है इफ्तिखार। इफ्तिखार तो और बूढ़ा बूढ़ा लगता है। अच्छा तो ऐसा करते हैं कि खालू जान में से खालू निकाल देते हैं। जी। खालू मैं नहीं आ रही हूँ। क्यों? कल रात से बहुत एसिडिटी हो रही है मेरे पेट में। सुबह से 4 बार जा चुका हूँ मैं। वैसे भी आप तो चैंपियन हो गाड़ी पड़ी करने में। अरे नहीं, अकेले में रिस्क बहुत है। तो मैं चलूं साथ? मैं तैयार होकर आ रहा हूं 2 मिनट में।
दवाई देती हूँ, 10 मिनट में ठीक हो जाओगे। अरे कुछ अच्छा लग रहा है? हो जाएगा हो जाएगा, कृष्णा जी ने बोला है तो हो ही जाएगा। कुछ दिनों की बात और है बस, फिर मजे से मने गांव में पीपल तले पा देंगे और नदी नारे हगने जाएंगे। क्या डंडी डंडी हवा लगेगी पिछवाड़े में। कृष्णा जी सर कहें चलें नदी नारे? नहीं नहीं नहीं, गांव में। यहाँ क्या करेंगे? वहां तो तू भी है, मैं भी हूँ, और तेरा तो निकाह भी होने वाला है ढंग से ना। कह रहे थे चलो रहो हमारे साथ, मेरे साथ। क्या हुआ क्या हुआ? ज्यादा ही दर्द हो रहा है। अब कहाँ जा रहे है? कंट्रोल नहीं हो रहा है गाड़ी। अबे बस छूट जाएगी। ए बब्बन, यही वक्त मिला था तुझे अंदर बैठने का। अबे बस छूटने वाली है बे। अलू मसला मेरे हाथ से निकल चुका है। अरे रोक ले थोड़ा, बाकी फैजाबाद में हग लीजो, चल निकल। अरे चाचा, अरे जल्दी करो, बस जा रही है। ठहरना भैया ठहरना। अरे बस छूट जाएगी ना मुराद। आ जाओ आ जाओ। अरे आ रहे हो आ रहे हो। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सुफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। दिल तो बच्चा है जी, ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सुफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। किसको पता था पहलू में रखा, दिल ऐसा पाजी भी होगा। हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा। हाय जोर करे कितना शोर करे, बेवजह बातों पे हमें गौर करे। दिल सा कोई कमी ना इस उम्र में, अब खाओगे धोखे। डर लगता है इश्क करने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। दिल तो बच्चा है जी।
कैसा लग रहा हूं मैं? हैं? चूतियम सल्फेट। क्या? ये ठीक है? उठो, आते ही होंगे खालूजान। आने दो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। जाना तो पड़ेगा। मैं तो यहीं रह रही हूँ। यही? हमेशा? करोगे क्या निका? मुझसे ताई से? लाई है परसों? आज आप 3-4 रोज में? हाँ अच्छा। आप कब आए रात पता ही नहीं चला, जगाए क्यों नहीं? आपके सपने में खलल डालने की हिम्मत नहीं हुई? आप भी ना खालू जान। यहाँ से मेरा नाम डॉक्टर, तुम्हारा पेंटर और मेरा नाम किसान।
चुके से इतनी बार सुन चुका मेरे होने वाले बच्चे को भी प्लेन याद हो गया। चलो चलो और आप किस हक से गाली दे रहे थे मुझे? आप मेरे पति हैं, यार हैं या दलाल हैं? कहाँ से आ रही हो, कहाँ को जा रही हो? लेसन देते हैं कि नहीं? कमाल है, थैंक यू। तो लेसन जी, कौन से थाने से हो आप? कवा भाग को लेनी। अच्छा 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 अच्छा, कवा भाग को ले। नाम चिड़िया का रखने वाले जी। अपने वो ओमबीर जी भी तो वहीं पोस्टेड है ना? नमस्ते कीजिएगा जी। अरे गाड़ी लड़ गया, एक्सीडेंट हो गया भाई, चलो। लोग जमा हो जाएंगे, जल्दी से इसे अपनी गाड़ी में निकालो। क्या हुआ भाई, टायर फट गया का? मर गया का? लगता ब्रेक फेल हो गए। अरे टायर नाली में फंसा है भाई। क्या हो क्या रहा है, क्या हो रहा है पीछे? उतने नजदीक से क्या नाक के बाल गिन रहे हैं उसके? अरे गुलाटी, अरे गुलाटी सामे, तो रोज का चक्कर है, प्रॉब्लम नहीं है, हॉस्पिटल का यहाँ पे पता है। चलो बाहर निकालो, निकालो बाहर, चलो चलो यहाँ पे हाथ लगाओ। चलो 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 बाहर निकलो। हाँ तेरी अजब सी अदाए है, दिल को बनाते जो पतंग पतंग। फेंकना बंद करेगा तू? अरे नहीं खालू, सासों में तेरी। अरे क्या कर रहे हो खालू, क्या हो गया तुमको? सच अटक गया है हलक में, निगल नहीं पा रहे। अरे कौन सा सच है? गालू, अभी जब तक मुझे तुम्हारी नियत के बारे में पता चलता तब तक मेरी सारी तबीयत फिसल गई थी गालू। मैं सोच रहा था बताऊं नहीं बताऊं, चलो एक तरह से ठीक ही हुआ गालू, कुदरत ने मसला हल कर दिया है। बस गालू अभी हमारा निकाह पढ़ा दो आप। कृष्णा जी नहीं तो उनके बच्चे ही सही। अरे क्या कर रहे हो गालू, मस्तक मत फिराओ तुम मेरा। अरे ज़्यादा तू नहीं ले खालू, सॉरी है। नालियाँ चाटने के लिए लाया थे तू? वैसे भले तेरा बाप तो भाग गया था मौलवी की लौंडिया के साथ है, अगर मैंने तुझे नहीं पाला होता ना तो वहीं अलीगढ़ में गलियों का कुत्ता बना रहता तू। तुम
अगर मैं नहीं होता ना तो मुश्ताक के बरामदे को जीप से पोछा मार रहे होते। बेटे की तरह पाला है मैंने तुझे हरामजादे। बेटे की तरह पाला है? निकाह तो करा नहीं पाए तुम, मेरा मेयर के पैसे तक नहीं जुटा पाए थे तुम, तो बारात वापस लौट गई थी। अरे तो तू जैसे रंडी बास को कौन देखा अपनी बेटी है? दोनों का चाल चलन अच्छी तरह समझ गए थे वो लोग। कौन दोनों? एक तू और एक तेरी अम्मी। मैं कह रहा हूँ खालू, अम्मी को बीच में मत लाओ तुम। मैं कहाँ ला रही हूँ, सारी दुनिया कहती है। क्या कहती है? यार बाज अम्मी का रंडी बाज लौंडा। अम्मी को बीच में मत लाओ, अम्मी को मत लाओ बीच में। कौन कहाँ है? मेरे पति परमेश्वर विद्याधर वर्मा। कृष्णा अपने हाथों से उसकी राख गंगा वाई है। पहले भी बताया था तुझे, तेरा बहन है कि वो जिंदा है। फोन लगा उसे। लगा? तू पागल हो गई है कृष्णा? आज से आप लोग आजाद हैं। शाम 5 बजे की भोपाल की ट्रेन है। ककर किधर है? तकरीबन 25 लाख हैं, शायद कम लगे, पर आप अपना उधार जरूर चुका पाएंगे। गिन लीजिएगा। गिनते थे, रोज गिनते थे। जब ये चोरी नहीं हुआ था हम दोनों रात भर बैठ के बस इसे गिना ही करते थे। चाहती तो मैं पैसे लेकर भाग सकती थी, जिंदगी भर ढूंढते रहते मुझे, पर मुझे पैसे नहीं चाहिए। ज्यादा पैसे चाहिए? अम्मा निकली है तो सबकी, क्यों निकाह पढ़वाऊं तेरा? अपने बच्चे खिलाएगा मेरी गोदी में? ये जगह आप जितना जल्दी छोड़ दे बेहतर होगा। बेहतर है? जाने से पहले वजह जानने का तो हक है ना हमें। इश्क में सब बेवजह होता है। बैग फटा हुआ है, और बैग है वो ले लूं। Thank you.
पकड़ कहाँ है? कहाँ है कक्का? एक घर में छुपा होगा, चल ढूंढते हैं। तुम दोनों खलो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। कक्कड़ बहुत खतरनाक इंसान है। वो स्टील के धंधे की आड़ में हथियारों की सप्लाई करता है नेपाल से। अच्छा? कक्कड़ विद्याधर वर्मा का दाहिना हाथ है। मतलब वर्मा जिंदा है? हाँ। और उन दोनों ने मिलकर मुझे मारने की कोशिश की थी। और फेल भी हो गए। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। वाह। वक्त बहुत कम है, पैसे लेके चले जाओ वरना तुम दोनों मेरे साथ मारे जाओगे। वर्मा यहाँ पहुंचता ही होगा। क्या करेंगे, उनको बुला के यहाँ पे? कल रात को जब तू सो रही थी ना, पूरी रात बैठ के देख रहा था मैं तेरे को। तू पहली औरत है जिससे जी लगाया। तुम साली हरामी, खेल रही थी मेरे साथ। बब्बन, पता नहीं कहाँ छुपा दिया साली ने, कहीं नहीं मिल रहा वो। जानता था जी मैं इनके पति को, एक नंबर का छड़ा हुआ बदमाश था वो। मुझे भी धमकाता था पैसे के लिए, पर सर जी इतने पैसे तो उसने भी नहीं मांगे। पैसा है मेरे पास, पर अब ऐसा भी नहीं है सर जी कि चुटकी बजाते ही 4 करोड़ आ जाएगा जी। 4 करोड़? ते तो 2 करोड़ हुआ था जी। 2.5 करोड़ का ऑफर तो खुद मैंने दिया जी। विद्याधर वर्मा तेरे धंधे में पार्टनर था? धंधा? कौन सा धंधा भाई साहब? नेपाल से हथियारों का सप्लाई। सर जी मुझे नहीं पता कि आप लोगों का आपस में क्या संबंध है जी, और मुझे अपनी सफाई में अब कुछ कहना भी नहीं है। सर जी आप लोग बताओ कि मुझे करना क्या है। 2.5 करोड़ का इंतजाम करने में कितना टाइम लगेगा? हेलो ममता, ऊपर मैंने तो दीदी के हाथ बिजी थे तो मैं। स्पीकर फोन पे डालना। जी हाँ। हाँ कुकू बोलो। मेरे को कुछ पैसे चाहिए अर्जेंट। अरे क्या तुम किडनैप हो गए हो? ओ नहीं यार, इनकम टैक्स समझी ना। अब तो मेरी बात ध्यान से सुन, 1.5 जो है वो बड़े वाले फ्रिज में है और 1 परसों ही मैंने माइक्रोवेव में डाले। तू ये पैसा लेके फैक्ट्री पहुंच जल्दी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 2 बंदे वहां पहुंचेंगे 1 घंटे में। कुकु तुम तो मेरी फिक्र मत कर यार, मैं शाम तक आ जाऊंगा। चल रुका कर, मंदिर में बंद कर दिया ना, वो लोग आएंगे ढूंढ लेंगे। खालू, ये लोंडिया हमारे बारे में सब कुछ जानती है, पुलिस को बता देगी, क्या करें? करना क्या है, उड़ा दे साले को। Thank you.
खालू तुम उड़ाओ। क्यों? क्यों क्या खालू तुम उड़ाओ ना। तू क्यों नहीं उड़ाता? अरे खालू तुम क्यों नहीं उड़ा रहे हो? क्योंकि मुझे इस हरामजादी से इश्क हो गया है। ये सही है खालू, तुम्हारा इश्क इश्क का और हमारा इश्क सेक्स। गिन तो लीजिए। क्या कह रही हैं? तो घर की सी बात है। ठीक ही होंगी। अब हम वर्मा नहीं है, कुल श्रेष्ठ हैं, श्याम प्रसाद कुल श्रेष्ठ। अल्लाह कसम वर्मा जी, कुल श्रेष्ठ जी, अगर हमें जरा भी पता होता तो हम बिल्कुल नहीं पड़ते इस चक्कर में। वो तो मुश्ताक भाई की तलवार हमारे सर पे लटक रही थी, नहीं तो कभी की रवानगी डाल ली होती हमने। नहीं बबन? ठीक है, खुद ही मिलाते हैं उसे। तो हम चलें? क्यों, मिलना नहीं चाहेंगे उसे आखिरी बार? हैं? चलिए चलो। जा रहे हो? पहुंच गए क्या? क्या रिया है? हाँ, निकल जा रही हो हमको? अरे वर्मा जी, वो क्या कुलश्रेष्ठ जी से बात हो गई है मेरी? अरे मेरी कहाँ लेके आ गए? बब्बन, बब्बन तू है ना इधर? बब्बन नहीं, यहीं खालू। बहुत गड़बड़ लग रही है यार, अल्लाह को याद कर लेते हैं मुझे लगता है। ए भाई, कहाँ तक चला के ले जाओगे? चला चला के मारोगे क्या? हैं? वो आप पे मैंने हाथ उठाया, उसके लिए सॉरी। हाँ खालू, अरे मैं भी सॉरी। अरे क्या कर रहा है? घुसने पे लग जाएगी यार। अरे, 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 अरे। जानना था ना, सेना में भर्ती हुए क्या करूंगा मैं? ये देख, चीनी तमंचा। तुझे वर्मा ने भेजा हमें मारने के लिए? यही नदी में फेंकनी थी लाश तुम्हारी। अकेले का पहला काम है मेरा। तुझे पहले से मालूम था वर्मा जिंदा है? ना, बापू से मिलने जंगल गया था, तब देखे थे उसको। भूत भूत चिल्लाने लगे थे हम, फिर बाद में लोगों ने पूरा किस्सा बताया। क्या बताया? ए जापना।
शादी के वक्त भैया भाभी से वादा किए थे कि वो खून खराबा छोड़ देंगे हमेशा के लिए, पर ऐसा हुआ नहीं। भैया को भाभी से प्यार तो था पर अपनी हथियारों से ज्यादा नहीं। भाभी का जिद भैया के काम के आड़े आने लगा। वो छुटकारा चाहते थे पुलिस और भाभी दोनों से। तो अपना नया जन्म के लिए उन्होंने खुद ही अपना मौत का स्वांग रच डाला। भैया ने हमारा जात के लिए बहुत कुछ किया, पर भाभी के साथ जो किया है ना, उसके लिए हम उनको कभी माफ नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ। दुनिया में सबसे गहरी दुश्मनी मियां बीवी की होती है, तो अल्लाह मियां का करम है कि बच गई। अभी अल्लाह मियां क्या करेंगे, वो अकेली और वर्मा के इतने सारे हरामजादे हैं? और तू तो बांध के भी आया है उसे, तू निकल भी नहीं पाएगी वहां से। मैं क्या, दो घंटा मारा होके औरत हो तो औरत की तरह रहा हो, नहीं तो चले जाओ अपने बाप के घर, उनको खपड़िया अब जाएगा बैठा हो जाएगी। जिनकी जहां जगह है उनका हमें रहा हो। बहुत खुश हुए थे ये सुनकर कि उस रात तुम बच गई। पता कैसे चला तुमको?
मूछ? लौंडियों जैसे लगते हो। पता कैसे चला तुमको? अरे जितन, तुम समझती कहां थी? सेना का सारा बल हमरे पर टिका था, नहीं लड़ाई बीच में छोड़कर नहीं भाग सकते थे हम तुम्हारे खातिर, और तुम सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, सरेंडर नहीं, सिलेंडर। उस रात सिलेंडर खाली था। पुलिस कहती रही कि हमको गलत फहमी हुई है, पर जब लाश टटोले तुम्हारी तो यकीन हो गया। पूछो कैसे? नफरत करते थे हमसे, नफरत करते थे हम। तो तुमको लगता है जो भी हम उस दिन किए हैं वो इसलिए कि हम तुमसे नफरत करते हैं? अरे तुम्हारे साथ ना रहते बनता था ना तो छोड़ते। तो साथ ले जाते? हाँ, जैसे कि तुम आती नहीं। उठवा लेते बेबी हो तुम हमारी, तुमको खुद ही चल जाना चाहिए था हमारे साथ। उठवा लेते, चलो अब चलो हमारे साथ, चलो। जाएंगे जाएंगे जाएंगे। अब जहां पनाह और बांधी दोनों इसी मकबरे में दफन हो जाएंगे। कृष्णा गैस का सिलेंडर रखा हुआ घर के अंदर, जल्दी निकलते रहो नहीं तो मारे जाएंगे सबके सब। Thank you.
मेरी जानम। दो दिन से फोन लगा रही हूँ मैं, कहाँ हैं आप, क्या कर रहे हैं? आपको सोचते के अलावा कुछ कर सकते हैं हम? चलिए छुट्टे कहीं के। और आपके गुनहगार सलामत हैं या फरार हो गए? फिर कम वक्त, दिल से बच्चे हैं आप छोटे से, आपको चोर सिपाही खेलना है बस। इस बार हमारे लिए मिले तो फोड़ डालिए। मिले तो सही, मिले तो सही ना। बिन बतूता ता ता बगल मजूता ता ता इब्ने बतूता ता ता बगल में जूता ता ता पहने तो करता है चुर्र उड़ उड़ आवे आ आ दाना चुगे आ आ आ उड़ उड़ आवे आ आ दाना चुगे आ आ उड़ जावे चिड़िया फुर इब्ने बतूता ता ता बगल में जूता पहने तो करता है चुर्र उड़ उड़ गावे दाना चुगे आ उड़ जावे चिड़िया पुर्र जावे चिड़िया फुर्र।